नमस्कार दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि वास्तु दोष का हमारे घर पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। यदि आपके आपके घर में कभी पैसों की कमी ना आए तो उसके लिए आप कुछ साधारण से उपाय कर सकते हैं। यदि आप वास्तु के अनुसार देखें तो अपनी तिजोरी को इस अवस्था में रखें कि आपकी तिजोरी उत्तर दिशा में पड़े। अगर आप तिजोरी खोते हैं तो वह उत्तर दिशा की तरफ ही खुले, तो ऐसा करने से आपकी तिजोरी में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर भगवान की होती है और कुबेर भगवान का असीम कृपा बनी रहे तो उसके लिए तिजोरी की व्यवस्था को थोड़ा सा बदल दीजिए। अगर आप तिजोरी को उत्तर दिशा में रखते हैं तो धन की कभी कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की भी आप पर असीम कृपा रहेगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अक्सर देखा है हमने कि अगर आपके घर में टंकियां लगी हुई है या फिर नल है, उससे अचानक पानी टपकना शुरू हो जाता है और वह पानी वेस्ट होता रहता है, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यदि आपके घर में भी ऐसा ही है, आपकी टंकी भी लीकेज कर रही है, तो आप उसे जल्दी से रिपेयर कराइए, क्योंकि वह धन को हानि में बदल देती है और आपके जितने भी व्यापार हैं उसमें थोड़ा सा लॉस होता रहता है, जिससे वह लॉस आगे तक बढ़कर और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको व्यापार में लॉस ना हो और आपको कोई भी परेशानी ना हो, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी टंकियाँ या फिर नल रिपेयर के लिए हैं तो उसे आप पहले से रिपेयर कराएं, क्योंकि वह लीकेज करते रहेंगे तो पानी तो वेस्ट होता ही है, उसके साथ आपके जीवन में आने वाली सभी सुख सुविधाएं कम होना शुरू हो जाती हैं। यदि आप अपने घर की व्यवस्था देख रहे हैं तो आप ये भी ध्यान दें कि आपके वास्तु के अनुसार आपकी सीढ़ियाँ ठीक से बनी हुई हैं या नहीं। यदि आपकी सीढ़ियाँ उत्तर से पूर्व दिशा की ओर बनी हुई हैं तो यह दिशा में आपकी सबसे ज़्यादा नेगेटिवता बढ़ती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में नकारात्मकता ना बढ़े और आपके घर में हमेशा शांति रहे, तो आप अपनी सीढ़ियों की व्यवस्था को बदल दीजिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आपके जो मेन गेट है वह आपका दक्षिण दिशा में नहीं है। अगर आपका दक्षिण दिशा में है तो आप उसके लिए आप 3 सिक्के लीजिए फेंग सुई के, और फेंग सुई के 3 सिक्कों को रिबन से बांध दीजिए, और रिबन से बांधने के बाद उसे गेट पर बांध दीजिए और उसे गेट के अंदर ही रखें, बाहर बिल्कुल ना निकालें। ऐसा करने से जो भी आपके दक्षिण गेट होने की वजह से वास्तु में परेशानी हो रही है वह थोड़ी कम हो जाएगी। यदि आपके घर में कबाड़ा ज़्यादा है, हमने अक्सर देखा है कि अगर काम की चीज़ नहीं होती है वह भी आपके घर में होती है, और जो काम की चीज़ होती है वह भी घर में होती है। कुछ ऐसा सामान होता है जो आगे आप सोच रहे हैं कि इस्तेमाल हो जाएगा लेकिन बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल में आ रहा है, तो आप उसे भी जल्दी से घर से निकाल दीजिए। ऐसी चीज़ें नकारात्मकता को बढ़ा देती हैं। यदि आप अपने कमरे के बाहर पर विंड चाइम्स, यानी कि आप अपने धातु के कोई भी विंड चाइम्स लटका देते हैं, तो वह नकारात्मकता को भी कम करते हैं और उससे निकलने वाली मधुर आवाज़ आपके घर के और भी सदस्यों के बीच में मिठास बोलती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के सभी सदस्यों के बीच में मिठास बनी रहे, हमेशा प्यार बना रहे, तो उसके लिए विंड चाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई और वस्तु धातु की बनवा सकते हैं और उसे अपने मेन गेट पर लगा दीजिए, यानी कि कमरे के गेट पर लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो ये है वह तरीके, यदि आप अपनाते हैं तो वह आपके घर में धन धान्य को बढ़ा देता है। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।